हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आप टाइटल और थंबनेल देखते हो समझ ही गए होंगे कि आज यह वीडियो मेरा किस टॉपिक पे होने वाला है। आपको मैं यही बताने वाला हूँ आज कि आप स्नैपचैट अकाउंट को डिलीट कैसे करेंगे। ये कोई सिंपल तरीका तो नहीं है, लेकिन मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा कि आप अपने स्नैपचैट अकाउंट को कैसे डिलीट करेंगे। 2023 के बाद दिसंबर तक तो तरीका वही रहा, लेकिन 2024 से ये मतलब इसका सेटिंग वगैरह वो अपडेट हो गए, तो बहुत सारे सेटिंग्स चेंज हो गए, जिस वजह से स्नैपचैट अकाउंट डिलीट करने में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती हैं। तो मैं इसमें आपको दो तरीके बताऊंगा, वो सिंपल तरीके से, जिसमें अगर आपने स्नैपचैट का पासवर्ड भी अगर आप भूल गए हैं तो वो भी मैं बताऊंगा, कैसे आपको पासवर्ड कहाँ से जानना है, कैसे क्या करना है, कैसे रिकवर करना है और डिलीट कैसे करना है, वो मैं पूरा इस वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर आप मेरी वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर प्रेस करके और वीडियो सिलेक्ट कर लें, जिसमें मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। वीडियो एंड तक देखना है, उसके बाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना है। हम चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। मैंने अपना स्नैपचैट ओपन कर लिया, आपको अपना स्नैपचैट ओपन कर लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, लेफ्ट साइड कॉर्नर पे प्रोफाइल का ऑप्शन शो हो रहा हो, प्रोफाइल के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ध्यान रखना है एक चीज, आप यहाँ पे देख सकते हैं आपकी प्रोफाइल खुल के आ गई। यहाँ पे एक चीज आपको सबसे ध्यान रखने वाली चीज है कि आपको अपना यूजर नेम जो है, जैसे आप यूजर में नेम पर देख सकते हैं मेरा आलोक कुमार के नीचे एक यूजर नेम दिख रहा है आपको, ये यूजर नेम आपको अपना यूजर नेम ध्यान रखना जरूरी है। अगर आपको ध्यान यूजर नेम नहीं रहता तो आप ट्रीट नहीं कर पाएंगे, कुछ प्रॉब्लम आ जाए आएगी ट्रीट करने में। आपको क्या करना है, ये यूजर नेम ध्यान रखना और इसका जो पासवर्ड है, पासवर्ड वो भी आपको याद रखना। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस में क्या करते हैं, जो राइट साइड कॉर्नर पे ऊपर सेटिंग का ऑप्शन हो रहा है, सेटिंग के ऑप्शन पे हम क्लिक कर देते हैं। हम चले जाते हैं, इसके बाद हमें सेटिंग के ऑप्शन पे कर देते हैं क्लिक। क्लिक करने के बाद हम नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, स्क्रॉल डाउन करते रहना। यहाँ पे एक आपको ऑप्शन होगा सपोर्ट का, इसमें चार ऑप्शन आपके पास हो रहे हैं, आई हैव लॉस्ट माई स्नैपस्टिक, आई नीड हेल्प, आई हैव अ सेफ्टी कॉन्सर्न, आई हैव अ प्राइवेसी क्वेश्चन। ठीक है, आपको सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, आई नीड हेल्प पे। ठीक है, आई नीड हेल्प का ऑप्शन तो आपको मिल गया, लेकिन मेन प्रोसेस आपका यहीं से स्टार्ट होता है। ठीक है, आपको वीडियो एंड तक देखना, मैं पूरा आपको प्रोसेस बताऊंगा। मेन प्रोसेस आपका यहीं से स्टार्ट होता है कि आप कैसे डिलीट करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको नीचे से स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पे आपको कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है डिलीट करने का। जैसे आपने देखो, आप प्राइवेसी पहले से 2023 से 24 में प्राइवेसी बहुत सी चेंज हो गई स्नैपचैट की, इस वजह से प्रॉब्लम आ जाती है मतलब डिलीट करने में। ठीक है, तो अगर इसमें एक ऑप्शन आ रहा है मैनेजिंग माई अकाउंट, ठीक है, यहाँ से तो आप डिलीट कर सकते हैं, एक ही ऑप्शन हो जाता है, यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। मैनेजिंग माई अकाउंट में कई ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, माई अकाउंट इज लॉक्ड, ठीक है, आप यहाँ से लॉक कर सकते हैं। हाउ डू आई चेंज माई बर्थडे, ठीक, बर्थ डेट आप चेंज कर सकते हैं इससे। हाउ टू आई रिएक्टिवेट माई अकाउंट, ठीक, रिएक्टिवेट भी कर सकते हैं, सिक्योरिटी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैन प्रोसेस यहीं से स्टार्ट होता है। आप यहाँ पे कोई आप देख सकते कोई ऑप्शन नहीं हो रहा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक ऊपर सर्च का ऑप्शन हो रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास कई ऑप्शन आएंगे। एक यहाँ पे ऑप्शन आपको दिख रहा होगा कि डिलीट माई अकाउंट, ठीक, अब आपको करना है डिलीट माई अकाउंट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, डिलीट माई अकाउंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे दिख रहा है हाउ डू आई डीएक्टिवेट और डिलीट माई स्नैपचैट अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई आपको डिलीट का ऑप्शन शो नहीं हो रहा। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बोला था, आपको यूजर नेम और पासवर्ड आपको ध्यान रखना। ठीक है, अब आपको ऊपर स्क्रॉल करके यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे टू डीएक्टिवेट और डिलीट माई डिलीट योर स्नैपचैट अकाउंट ऑन एंड्रॉयड और द वेब। ठीक है, इसमें जो आईफोन का होता है वो थोड़ा मतलब सेटिंग अलग होता है, बस सेम टू सेम कुछ डिफरेंस होता है, वैसे सेम ही होता है। तो आपको क्या करना है, ये एंड्रॉयड वाले पे करना, टू पहले वाले पे यहाँ पे दिख रहा होगा आपको स्नैपचैट अकाउंट पोर्टल। ठीक है, लॉग इन टू द स्नैपचैट अकाउंट पोर्टल। ठीक है, आपको वेब में लॉग इन करना पड़ेगा इसको, इसके बाद आपको डिलीट हो पाएगा। तो आपको मैं पूरा प्रोसेस बता देता हूँ, आपको वीडियो में बने रहना है। ठीक है, आप वीडियो को एंड तक देखो, मैं पूरा बता के बताऊंगा आपको कैसे आपको डिलीट करना है। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका स्नैपचैट अकाउंट जो है वो तुरंत डिलीट नहीं करता है, इसको आप 30 दिन तक आपका अकाउंट मतलब रहता है लेकिन आपका शो नहीं अकाउंट होगा सर्च करने में, सर्च क्योंकि कभी आपका ऐसा माइंड सेट चेंज हुआ आप खोलना चाहते हैं उस अकाउंट को तो खोल सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस पर हम क्लिक करते हैं स्नैपचैट अकाउंट पोर्टल पे। इस पर क्लिक करने के बाद हम आपको प्रोसेस पूरा बताएंगे कि कैसे हमको करना। हमने तो आपको बोला था कि आपको अपना यूजर नेम याद रखना, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आप अपना यूजर नेम यहाँ पे डाल देना। मैं अपना यूजर नेम डाल देता हूँ यहाँ पे, आपको भी अपना यूजर नेम डालने के बाद डाल देना। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे नेक्स्ट कर देना। नेक्स्ट करने के बाद अब आप
प्रोसेसिंग, थोड़ी बहुत प्रोसेसिंग। उसके बाद यहाँ पे देखिए, मैंने बोला था आपको पासवर्ड के लिए, अगर आपको पासवर्ड याद नहीं है तो आपको क्या करना है, फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक कर देना। ठीक है, फॉरगेट पासवर्ड पे आप क्लिक कर देंगे। फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आप नंबर पे आपके एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी यहाँ पे आपको डाल देना है। ठीक है, जैसे मेरी ये ओटीपी आ गया, ठीक है, इसको ओटीपी को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे इसे पेस्ट कर देते हैं। ओटीपी डालने के बाद हमें यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। ठीक है, हमें यहाँ पे इसे हमने नेक्स्ट कर दिया। उसके बाद क्या करना है, हमें न्यू पासवर्ड जनरेट कर लेना है। ठीक है, हम अपना न्यू पासवर्ड डालना चाहते हैं वो यहाँ से जनरेट कर लेना है हम न्यू पासवर्ड, लेकिन हमें पासवर्ड नहीं चेंज करना है। हम क्या करते हैं, यहाँ से बैक हो जाते हैं इसे, मैं आपको बताता हूँ डिलीट कैसे करना है। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम यहाँ ऐसे इसे बैक कर लेते हैं। बैक करने के बाद मैं वहीं से आपको प्रोसेस पूरा दिखाऊंगा कि आपको डिलीट कैसे करना है, वो तो मैंने आपने देख लिया होगा कैसे। अब क्या हुआ, यहाँ पे एक ऑप्शन देखिए आप शो हो रहा हो, वहाँ पे आप पासवर्ड डालेंगे उसका, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको शो होगा नीचे स्क्रॉल करके, डिलीट माय अकाउंट। यहाँ पे कई ऑप्शन शो हो रहे हैं, माय डाटा, माय स्नैपचैट कोड, एड्स मैनेजर। ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन देखिए आ रहा है चेंज माय पासवर्ड, उसके नीचे आ रहा है डिलीट माय अकाउंट। ठीक है, डिलीट माय अकाउंट पे आपको क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको पासवर्ड मांग रहा है, अब आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल देना है। मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल देता हूँ। पासवर्ड डालने के बाद आपको कंटिन्यू कर देना है। मैंने पासवर्ड डाल दिया, कंटिन्यू कर दिया इसे। अब कंटिन्यू करने के बाद थोड़ी देर प्रोसेसिंग होगी, प्रोसेसिंग होने के बाद आप देख सकते हैं अकाउंट डीएक्टिवेटेड, अकाउंट आपका डीएक्टिवेट हो चुका है। इस तरह से अपना अकाउंट डिलीट कर सकते। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अपना स्नैपचैट अकाउंट डिलीट तो कर लिया होगा। अगर आपका स्नैपचैट अकाउंट डिलीट हो गया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपका अकाउंट डिलीट हो गया है। अगर इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन रह गया है तो आप इंस्टाग्राम का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, यहाँ पे पॉपअप भी शो हो रहा होगा, यहाँ पे इंस्टाग्राम पे आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी आप पूछ सकते हैं अगर आपको क्वेश्चन रह गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके उस पर ऑल पे जरूर सेलेक्ट कर लेना है, जिससे मेरे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।